हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक टॉप बताना बता रही हूँ कि आपको टॉप को कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दो फैब्रिक लिया है। एक मैंने यहाँ पे एक सॉटन टाइप का फैब्रिक है ये मेरा, और ये थोड़ा सा ये मेरे एक यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये फैब्रिक मैंने फ्रिल के लिए लिया है। तो यहाँ पर मैंने दो फैब्रिक लिए हैं। अगर आपके पास एक ही कपड़ा हो तो आप एक ही कपड़ा ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं इसकी कटिंग आपको पेपर पे बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है। अब मैं इसकी पूरी कटिंग पहले आपको पेपर पे बताऊँगी, और सेम इसी मेथड से आपको अपने उस पर करना है, कपड़े पे कट करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, डबल फोल्ड करने के बाद हमारा ये कपड़ा है 9 इंच। तो यहाँ पे देखिए, आपका जितना भी चेस्ट हो आप उसका फोर्थ पार्ट ले लीजिए और उसमें 2+ कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसी तरह अपने कपड़े को लूँगी, जितना भी मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट है उसमें मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँगी, वो हमारा होगा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने कपड़े को 8 इंच पे रखा है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे 10 इंच पे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 इंच लूजिंग ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा जो फोल्ड किया हमने, ये डबल फोल्ड कपड़ा है हमारा, तो हमने यहाँ पे इसको 10 इंच लिया है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको शोल्डर पे निशान लगाना है। यहाँ पे आप 7 इंच भी ले सकते हो, 7.5 भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है, और यहाँ पे मैंने इसे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, आपको जितना भी आर्म होल लेना है आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं यहाँ पे 6.5 ले रही हूँ अपना आर्म होल। और यहाँ पे देखिए, मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब आपको यहाँ पे मैं एक निशान लगा दे रही हूँ, और फिर हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ तक हमारा जो यहाँ पे पेपर लिया है, यहाँ तक हमारा डबल फोल्ड है। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसे यहाँ पे कट कर दिया। अब हम इस पेपर पे ही अपनी पूरी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको जितना भी नेक लेना चाहते हो आप उतना ले सकते हो। मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पे देखिए, डीप मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी इसको, तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि टॉप का गला ज़्यादा डीप नहीं करते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गला नहीं लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पे आप कोई भी शेप लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे राउंड शेप लगाई है। तो इस तरह से देखिए, मैंने राउंड शेप लगा ली, और आर्म होल पे भी आपको शेप लगानी है। तो आपको जैसे पता है कि 3 इंच के बाद ही हम यहाँ पे शेप लगाते हैं, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे शेप लगा लिया। और ये हमारा एक हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप है, और एक बैक आर्म होल की शेप है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्म होल को काटेंगे, क्योंकि हमें इसी को रख के अपने फ्रंट आर्म होल को काटना है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसे कट कर दिया। अब मैं यहाँ पे नेक को कट नहीं कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसके, देखिए आप इस तरह भी इसका निशान लगा सकते हैं, वी नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जो भी नेक बनाना हो आप ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे कट कर लिया पेपर को, और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वी नेक भी ड्रॉ कर लिया है। देखिए, हमने यहाँ पे वी नेक कट कर दिया। अब यहाँ पे जो हम इसे, इस पेपर को रख के अपने दो पार्ट इसके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रंट का और बैक का पार्ट निकालेंगे, तो इसे हम अपने कपड़े पे प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको ऐसे रखना है इसके ऊपर, और हम यहाँ पे पहले अपने आर्म होल को कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, जो हमारा कपड़ा था, सॉरी पेपर था, इसकी लंबाई कम थी, इसीलिए मैं अपने कपड़े पे 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रख रही हूँ। अगर आपके पास जितना भी पेपर है, पेपर की लंबाई एक्स्ट्रा हो, तो आपको इस तरह रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, मैं नीचे से जो आपको कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है वो मैं यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे, मुझे पेपर कम लग रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक वी शेप ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे आर्म होल पे भी निशान लगा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। आगे पीछे हम दोनों साइड ही यहाँ पे देखिए, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, और आगे पीछे हमको दोनों पार्ट में इसको लंबा रखना है। तो अब यहाँ पर हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा।
यहाँ पे आपको दोनों पार्ट को अलग कर लेना है, क्योंकि हमारा बैक का नेक अलग रहेगा और फ्रंट का नेक अलग रहेगा। अगर आप दोनों नेक एक साथ बना रहे हैं तो आप एक साथ भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक के नेक को निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं फ्रंट की यहाँ पे मार्किंग करूँगी, तो यहाँ पे इसको भी हम नेक को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको फ्रंट आर्म होल की भी सेप लगा लेनी है और यहाँ पे हम इसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम पेपर पे भी कुछ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे इसमें इस तरह से सेप दे रही हूँ, इसी तरह मैंने यहाँ पे कपड़े पे भी सेप दे दी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे इस तरह थोड़ा सा वी को गोलाई पे कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इंच टेप रखना है आपको और यहाँ पे आपको 4 इंच पे मार्क करना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे इस नेक को मिलाते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम यहाँ पे अब कर्व देते हुए इसको मिला लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको मिला लिया। अब हम यहाँ पे इसे कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे रख के आप पहले सेंटर का निशान लगा लीजिए, क्योंकि ये सेंटर का निशान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया। अब इसी तरह हम यहाँ पे इस कपड़े पे भी इस तरह इसको कट कर लेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इसमें भी हमको 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमने वहाँ पे भी कपड़ों पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो इस पे भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम 4 इंच लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेपर पे 4 इंच लिया था लेकिन हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो अब हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइड से आपका 4 इंच रहना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो आपका अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपको यहाँ से 4 इंच ही रखना है। हमने इस पार्ट को भी कट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए हम अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट को ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम इसके ऊपर इसको रख रहे हैं और अपनी नेक की मार्किंग को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे बैक नेक भी बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी नेक का निशान ले लिया। अब हम इसको अलग कर देंगे और यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाते हुए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे नेक का। तो मैं पीछे का नेक सिर्फ 2 इंच का ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ये क्रॉप टॉप है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 इंच लेते हुए यहाँ पे इसे कट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए हम अपने फ्रंट नेक को रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने ये कट किया है इसको रख देंगे और इसके ऊपर सेट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है उस पर हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कपड़े को यहाँ इंची टेप को रखना है साइड से और 4.5 इंच पे आपको यहाँ पे निशान लगा देना है और यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा अंगरखा पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम अपनी फ्रिल को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है, तो मैंने यहाँ पे 2 कपड़े लिए थे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब यहाँ पे ये कपड़ा हमारा 10 इंच है लंबाई में। अब हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ पे 22 इंच है, क्योंकि ये हमारा कपड़ा 4 फोल्ड है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 88 इंच। तो इस तरह हमारी ये फ्रिल निकल आएगी। अब यहाँ पे देखिए जो ये फ्रिल की लंबाई है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये देखिए 9 इंच पर रख रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह आपको चारों कपड़ों को पकड़ते हुए यहाँ पे पूरे पे निशान लगा लेना है और हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप पीस से इसको ज्वाइन कर लेंगे और नीचे से आपको यहाँ पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे आपको डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह आपको पूरे कपड़े पे ऐसे यहाँ पे नीचे डबल फोल्ड करना है। आप यहाँ पे पीको भी करा सकते हैं और यहाँ पे आप कोई लेस भी अटैच कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। तो इस तरह देखिए अब हम ऊपर के साइड यहाँ पे इस तरह छोटी छोटी सी प्लीट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे प्लीट्स डाल देना है। तो पहले आप प्लीट्स लगा लीजिए या फिर आप डायरेक्ट मशीन पे ही दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। अब ये हमने कपड़ा लिया है, तो ये हमारा स्लीव्स का कपड़ा है। तो हम यहाँ से अपनी स्लीव्स निकालेंगे। अब यहाँ पर हम अपने कपड़े को यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और पहले हम यहाँ पे एक स्लीव्स निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी दूसरी स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पे आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग 5, 6, 7, 8 जितने भी आपको स्लीव्स रखने हो आप उतनी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ टोटल लेंथ यहाँ पे 8.5 इंच लूँगी। तो यहाँ पे देखिए 8.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा ले रही हूँ। हमें यहाँ पे अपनी स्लीव्स की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा लेना है,
देखिए मेरा जो आर्म होल है वो हमारा 8.5 इंच है, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप थोड़ा अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ पे थोड़ा और कपड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर दिया। अब यहाँ पे इसी तरह हम यहाँ पे दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है। अब यहाँ पे हम अब इसको डिज़ाइन बनाएंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम यहाँ पे हम वैसे ही यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो मेरा फ्रिल का कपड़ा है हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर ले रहे हैं। देखिए इस तरह से हमारे ये 2 पार्ट में कपड़ा था, तो यहाँ पे हम इसे पहले यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे हम नीचे से यहाँ पे डबल फोल्ड लगा देंगे। डबल फोल्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर के साइड पे फ्रिल लगानी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको छोटे छोटे से गैदर डालने हैं, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पहले साइड से इसको ज्वाइन कर लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पे गैदर डालना है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं गैदर डाल ले रही हूँ, बाद में इसमें साइड से ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट मशीन पर इस तरह से गैदर डाल ले रही हूँ। आप चाहें तो पहले आप इसे पिन से सिक्योर कर सकते हैं, इसके बाद आप इसके ऊपर मशीन चलाइए। यहाँ पर देखिए मैंने गैदर्स डाल के अपने फ्रिल को कंप्लीट कर लिया है। ये ऐसा कपड़ा है इसमें कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कपड़े को यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे हम अपने नेक को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने और एक पट्टी कट कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर अपना नेक कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह आपको दोनों नेक बना लेने हैं आगे पीछे दोनों के। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैक नेक बना रही हूँ। अब आपको अपने फ्रंट नेक को भी कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं और एक पट्टी लेके इसको डबल फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच कर लूँगी और इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। पर देखिए मैंने इसे भी यहाँ पे और एक पट्टी लगाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे से कट लगाने हैं जिससे हमारा पलटने में इस पर झोल ना आए, क्योंकि ये वी नेक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि आपको छोटे छोटे से कट जरूर लगाना है, नहीं तो हमारे गले पे झोल आ सकता है। कट लगाने के बाद आपको पूरे कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ पलट लेना है और इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लूँगी। इसी तरह आपको बैक नेक को भी कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे पे सिलाई लगा दी और मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। देखिए ये नेक कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। इसी तरह हम बैक नेक को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देंगे और इसको फ्रंट नेक की तरह ही पलट लेंगे। देखिए इसके ऊपर हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा दे रहे हैं। तो इस तरह हमारे दोनों नेक कंप्लीट हो जाएंगे बनकर। देखिए जो मैंने यहाँ पे अंगरखा पैटर्न को कट किया था इसको भी हम और एक पट्टी लेते हुए इसको यहाँ पे कट मतलब बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी आपको डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद ही आपको यहाँ पे इस पर लगाना है। अगर आप और एक पट्टी नहीं लेंगे तो आपका इसमें भी झोल आ सकता है, इसलिए आपको और एक पट्टी लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह देखिए हम इसे भी कम्प्लीट कर लेंगे।
यहाँ तक तो आपको ऐसे ही सिलना है, लेकिन इसके नीचे जो हमने यहाँ पे कट किया था इसको आपको देख के ध्यान से सिलना है। इस तरह ऊपर की तरफ थोड़ा कपड़े को आगे बढ़ाना है और इसके बाद आपको सिलना है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे सिलना है, नहीं तो यहाँ पे हमारा सेप अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। ये आपको ऐसे ही कट लगा लेना है जैसे हमने दोनों नेक पे लगाया था। इसके बाद आपको पलटते हुए इसके ऊपर भी कच्ची सिलाई आपको लगा देनी है। देखिए इस तरह से आपको पलट लेना है और इसके ऊपर आपको कच्ची सिलाई लगानी है। पर देखिए मैंने अपने अंगरखा पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक पट्टी ली है तो हम इसको यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड कर दिया, और डबल फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे फोर फोल्ड कर दिया। अब हम यहाँ पे इसे बीच से कट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको चौड़ी डोरी बनानी है, आपको पतली डोरी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे चौड़ी डोरी बना लूँगी। तो आपको यहाँ पे दो डोरी बना के तैयार करनी है। देखिए इस तरह से आपको अब कोई भी देखिए सुई डाल देना है आपको, और सुई डाल के इसको अंदर की तरफ करते हुए आपको इसको पलट लेना है। आप किसी बड़ी सी कुछ स्टिक लेके भी आप इसको पलट सकते हैं, क्योंकि ये डोरी थोड़ा चौड़ी है इसलिए आप ऐसे भी इसको पलट सकते हैं। यहाँ पर हमने दो डोरियाँ बना ली है। अब आपको इसको यहाँ पे साइड पे इसको अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से आप रखते हुए इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसको बना लिया। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हम इसे अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, इसके ऊपर हमें इसको शोल्डर से इस तरह ज्वाइन कर देना है, क्योंकि ये अंगरखा पैटर्न है तो ये इसके ऊपर ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको शोल्डर से इसका ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इसका शोल्डर ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पे देखिए मैंने इसका नेक भी कम्प्लीट कर लिया है, और ये फ्रंट का पार्ट है हमारा तो ये इस तरह ओपन रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके ऊपर अपना यहाँ पे बैक पार्ट रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको बैक पार्ट को आप उल्टा रखेंगे। अब यहाँ पे इसके भी दोनों शोल्डर को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो दोनों शोल्डर आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और इसको पलट के रख दिया है। अब यहाँ पर आपको इसकी फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग लगाने के लिए आपको अपने कपड़े को उल्टा करना होगा, और यहाँ पे देखिए जो हमारा ये आपका कपड़ा था ऊपर वाला अंगरखा पैटर्न वाला, इसको हटाते हुए आपको अपनी फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है। तो इस साइड आपको सिलाई लगाते टाइम जो एक डोरी मैंने और बनाई थी इसको भी हम इसके अंदर रखेंगे और यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरफ भी आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसमें आपको अंगरखा पैटर्न को भी आपको एक साथ मिलाते हुए, तीनों लेयर को मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह मैंने अपने कपड़े को उल्टा कर लिया। अब यहाँ पे आपको तीनों लेयर को एक साथ मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह हमारी दोनों साइड सिलाई लग जाएगी। तो देखिए मैं आपको एक साइड सिलाई लगा के दिखा दे रही हूँ। देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली, दोनों साइड मेरी सिलाई लग चुकी है। अब आपको
यहाँ पे इसमें फ्रिल अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए हम फ्रिल को कैसे अटैच करेंगे, तो जो आपका अंगरखा वाला पैटर्न है उसके वहाँ से आपको फ्रिल को अटैच करना होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको डबल फोल्ड कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे आपको जो अंगरखा वाला पैटर्न है उसको आपको पकड़ना है और आपको इसके ऊपर रखते हुए एक लेयर पे आपको सिलाई लगानी है। तो पहले अंगरखा पैटर्न पे आप सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, तो इस तरह देखिए आप यहाँ से स्क्वायर पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ते हुए आपको पूरे पे देखिए एक पैटर्न पकड़ना है। आप ध्यान से देखिए जो हमारा फिटिंग तो हमारी लग चुकी थी इसके ऊपर आना चाहिए, आपको नीचे वाला पैटर्न हटा देना है। देखिए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है कि दोनों लेयर को आपको एक साथ नहीं पकड़ना है, अंगरखा वाले पैटर्न को बस पकड़ना है आपको देखिए ऐसे, और एक नीचे वाले पार्ट को आपको छोड़ देना है। इस तरह आपको सिलाई लगानी है। आप पहले इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पूरे इसको पिन से सिक्योर कर ले रही हूँ, इसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पिन से सिक्योर कर लिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ हमको अंगरखा वाले पैटर्न से सिलाई लगाते हुए नीचे तक पूरा सिलाई लगाना है। यहाँ पे देखिए मैं अपनी स्लीव्स को भी अटैच कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें कच्ची सिलाई लगा दी है दोनों साइड, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रिल बना रही हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे से मैं यहाँ पे गैदर्स डालूँगी इस पर। तो देखिए इस तरह एक धागा पकड़ते हुए हम यहाँ पे इसके गैदर्स डालेंगे। तो देखिए इस तरह आपको पकड़ना है एक धागा और ऐसे पकड़ते हुए आपको पूरे पे कैथर्स डाल देना है, नीचे और ऊपर दोनों स्लीव्स पे कैथर डाल देना है। यहाँ पे देखिए दोनों स्लीव्स पे आपको गैदर डालने के बाद इस तरफ भी मैंने दोनों साइड गैदर डाल दिए हैं, और दोनों स्लीव्स पे आपको गैदर डाल लेना है। इसके बाद आपको अपना आर्म होल और आस्तीन की चौड़ाई को मेज़र कर लेना है, अगर वो बराबर है तो ठीक, नहीं तो आप और गैदर डाल दीजिए। आप यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कप बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है और मैं इसको इसके ऊपर रखूँगी, और इसके ऊपर रखते हुए मैं इसके ऊपर कप बना दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर आपको सिलाई लगा देना है। देखिए दोनों साइड से मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया, क्योंकि जो ये फ्लावर वाला पोर्शन है मैं इसके ऊपर लाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने एक साइड पे सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद इसको अंदर की तरफ करना है और इसके ऊपर फोल्ड करते हुए देखिए इस तरह फोल्ड करते हुए इसके ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो जाएंगी। आप यहाँ पे कोई और भी स्लीव्स की डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने कप बना लिया। कप लगाने के बाद आपको यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। आपको इस लिस्ट में ज़्यादा मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें फिटिंग का निशान लगा दिया और हमारी स्लीव्स इस तरह से बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे अपनी क्रॉप टॉप पे अटैच कर देंगे। देखिए मैंने इसको शोल्डर के बीचों बीच रखा है, और बीचों बीच यहाँ से आपको पूरे पे इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह हमारी स्लीव्स अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरे पे स्लीव्स को अटैच कर लिया, और यहाँ पे देखिए मैंने प्यारे से लटकन बनाकर इसमें अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये टॉप हमारा कितना प्यारा सा बनके तैयार हुआ है। और जो ये हमारी ओरेप पट्टी है इस पर भी आप देखिए फ्रिल को ही मैंने अटैच कर लिया, और ये जो ओरेप पट्टी से हमने जो नेक बनाया है इसको आप तुरपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे ओपन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर तक देखिए मैंने फ्रिल लगाई है, आधे तक आपको फ्रिल लगाना है, और यहाँ मैंने फ्रिल छोड़ दी है और नीचे के साइड पे मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी थी। तो इस तरह ये आपका
देखिए ऊपर की तरफ से खुलने वाला टॉप रहेगा। देखिए इस तरह से आप इसमें साइड से नॉट लगा के इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा इस टॉप का लुक आया है। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स को भी कितने अच्छे से रेडी किया है, दोनों साइड मेरी स्लीव्स बनके भी तैयार हो गई है।